छत्तीसगढ़ में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कर्मचारी संघ इसे लेकर 13 अगस्त को वादा निभाओ रैली निकालेगा। रैली के बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। रैली में प्रदेश भर के लगभग 50,000 सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। जी, हम लोग छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। राज्य में लगभग 50,000 सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, जिसके बदले में हमको मात्र 2,000 रुपये दे रहे हैं। हमारी मांग है कि कम से कम हमको पूर्णकालीन कलेक्टर द्वारा 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाए और विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाए। इन बातों को लेकर हम छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री के नाम से 13 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा वादा निभाओ आंदोलन रैली करेंगे, क्योंकि सरकार बनने के पहली कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय टी एस सिंहदेव जी व भूपेश बघेल जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने हमसे वादा किया था 2 जुलाई 2018 को कि हमको समर्थन दो, हमारी जब सरकार बनती है तो आपकी मांग को पूरा करेंगे करके।